ये सरकार आईएसआई से बात कर सकती है। दुबई में इनका वार्तालाप चल रहा है आईएसआई के साथ। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती? जब विपक्ष के नेता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा। और सब कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, हम साथ हैं आपके, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मदद करना चाहते हैं, ये इस महामारी का सामना हमें इकट्ठे करना है। तो ये डेमोक्रेसी, आपने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चर्चा से ही काम आगे बढ़ता है, लोकतंत्र में कभी कभी आलोचना भी सुननी पड़ती है, और खास तौर से ऐसे मौके पर जब पूरा देश इस इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसे मौके पर ये तू तू मैं किसी को शोभा नहीं देता, किसी को। तो जब विपक्ष के नेता आपको सुझाव दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो आपने की नहीं। जैसे मैं भी कह रही हूं, मैं किस लिए इतनी उत्तेजित के कह रही हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जो हो रहा है हमारे सामने, हम सबके साथ, इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है, सब हम देख रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में नाराजगी तो होगी ना कि क्यों नहीं किया, आपके पास समय था। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे, पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी हैं। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय, जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं, तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है।